बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूएचएस के अंडर तमाम जो 16 के 16 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके 2022-23 का जो सेशन था उसके अंदर जो क्लोजिंग मेरिट्स रहे हैं तमाम मेडिकल कॉलेजेस के, वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन क्लोजिंग मेरिट्स को देखकर आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने चांसेस हैं इस दफ़ा मेरिट पर एडमिशन के MBBS में, और आपको टेस्ट के अंदर MD कैट के अंदर कितने मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। तो ये एक आइडिया आपको हो जाएगा कि इस दफ़ा जो मेरिट है वो कितना रहने का इम्कान है। ठीक है जी, तो तमाम जो 16 के 16 पंजाब के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं, पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस UHS के अंदर, उनका क्लोजिंग मेरिट जो पिछले सेशन में था वो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा, और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि तमाम मेडिकल कॉलेजेस की जो पोजीशन है वो आप पर वाजे हो सके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम एजुकेशनल और डिपार्टमेंटल जो न्यूज़ हैं वो लाते रहते हैं आपको अपडेट रखने के लिए। वीडियो को बाकायदा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेरिट को। इसका क्लोजिंग मेरिट था 94.2, अलम इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर का था 93.5, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 93 पे क्लोज हुआ है, शेख जायद मेडिकल कॉलेज 92.7, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान 92.36, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज 92.25, फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी 92.159, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी 92.09, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद 92.04, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज 91.8, कायद अजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर 91.84, ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज का अपडेट नहीं हो सका, सहिवाल मेडिकल कॉलेज 91.7, सरगोधा मेडिकल कॉलेज सरगोधा 91.68, नवाज़ शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात 91.59, डीजी खान मेडिकल कॉलेज डीजी खान 16वें नंबर पर था, उसका जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 91.5455।